फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने होम रेमेडी में क्या लेकर आई हूँ फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि आप अनचाहे बालों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना है, आप अनचाहे बालों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं इसमें आपको एक बात बता देती हूँ कि अनचाहे बाल जो हार्ड बाल होते हैं वो नहीं निकलते हैं। जो हमारी स्किन में छोटे छोटे बाल, नेचुरल जो बाल निकलते हैं, वो बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं अपने अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेसन लेना है और आटा लेना है। ठीक है, बेसन और आटा। मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगी और बाल रिमूव करके भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे अपर लिप्स पर छोटे छोटे बाल हैं। ठीक है, मैं आज आपको इनको रिमूव करके दिखाऊंगी और मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगी आपको। तो चलिए मेरा वीडियो आप देखते रहिए। मैंने एक चम्मच बेसन ले लिया है, एक चम्मच आटा ले लिया है। आप इसको क्या करना है, आपको इसमें गुलाब जल डाल लेना है फ्रेंड। ठीक है, और आपको किस तरह इसका एक पेस्ट बना लेना है मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादा गीला पेस्ट भी नहीं बनाना है फ्रेंड, और ज़्यादा सूखा हुआ पेस्ट भी नहीं बनाना है आपको। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो भी बाल नहीं निकलेंगे। तो आपको इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ठीक है, आप थोड़ी सी गुलाब जल की मात्रा अच्छे से डाल लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करने का तरीका। तो फ्रेंड, हमारे जो फेस की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो कुछ भी लगाने से पहले हमको मॉइस्चराइज़र कर लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम इसको रब करने वाले हैं। तो रब करने से क्या स्क्रैचिंग हो जाती है फ्रेंड, रैशेस होने का काफ़ी डर रहता है। बहुत सी स्किन तो इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर तेज हाथ से रब भी कर दें तो स्क्रैचिंग हो जाती है। आपने देखा होगा आईब्रो बनाने में अगर छोटा सा भी कट लग जाता है सेंसिटिव स्किन पे, तो काफ़ी लंबे समय तक वो कट दिखाई देता है, पूर्ण रूप से भरता नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आपने इस तरह का पेस्ट बना लिया। अब आपको लगाना कैसे है वो मैं बता देती हूँ, सही तरीका आपको लगाने का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को अच्छे से, बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है सबसे पहले। तो वॉश करने के बाद आप निविया क्रीम लेंगे फ्रेंड, वैसलीन भी ले सकते हैं आप, निविया क्रीम भी ले सकते हैं आप गुलाब जल से भी क्लियर कर सकते हैं, टोनर से भी कर सकते हैं फ्रेंड। इससे क्या होगा, आपके रैशेस नहीं होंगे। अपने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है फ्रेंड, मेरी वाइट मूछें बन गई हैं। ठीक है, तो आपने ये लगा लिया है, वाइट मूछों वाली दीदी अच्छे से आपको मॉइस्चराइजर से मसाज कर लेना है और मॉइस्चराइजर को क्लीन कर लेना है। जिससे कि आपके रैशेस ना हो। अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। अब देखिए आपको किस तरह से लगाना है पेस्ट को। आपको पता है कि आपके अपर लिप्स में किस डायरेक्शन में बाल आते हैं, तो नीचे की ओर और दोनों साइड की ओर। ठीक है, तो आपको जिस डायरेक्शन में आपके बाल आते हैं आपको उसी डायरेक्शन में लगाना है। आपको बिल्कुल आपको रगड़ना नहीं है। ठीक है, मेरे बहुत छोटे छोटे बाल हैं फ्रेंड और लिप्स पर, और वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। करीब 1 मंथ से मैंने बाल रिमूव नहीं किए हैं, केवल मुझे वीडियो डालना था फ्रेंड।
ज्यादातर तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, वैक्स कर लेती हूँ, उससे बहुत आसानी से बाल निकल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छे से आपने लगा लिया है फ्रेंड देखिए आप, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट इसको सूख जाने दीजिए। ठीक है, पेस्ट अच्छे से सूख रहा है आपका लिप्स का, जब तक मैं आपको हाथ पर बता देती हूँ। हाथों को भी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन डल हो रही है फ्रेंड, तो आपको इसमें हल्का सा शहद मिला लेना है। अगर आप हाथ पैरों का कर रहे हैं, तो आप शहद मिलाकर करेंगे तो आपको फुल मॉइस्चराइजर भी मिलेगा और जितना भी आपका डेड स्किन है वो एकदम प्रॉपर निकल जाएगा। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, हल्का सा लगाने के बाद मैंने ये अच्छे से रब कर लिया है। केवल 5 मिनट में आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं इसको आपको अभी 5 मिनट बाद क्लियर करके भी दिखाऊंगी वॉश करके, और आप मेरे हाथों में फिर अंतर देखिएगा। केवल 5 मिनट की रब किया है मैंने, जब तक मेरा ये सूख गया है। और आपको किस तरह से इसको रब करना है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है। बाल छिड़ते हैं फ्रेंड तो हल्का सा दर्द होता है, लेकिन आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको स्क्रैचिंग की। स्किन को एकदम टाइट कर लेना है आपका। देखिए रेड हो गई फ्रेंड स्किन, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा दर्द तो जलन होती है फ्रेंड रगड़ने में, क्योंकि बाल निकलते हैं तो हल्का सा। देखिए पूरी रेड हो गई इसके, हमें आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। एकदम क्लीन हो गए यहाँ के मेरे बाल, अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने वॉश कर लिया है। हल्का सा रेडनेस दिखाई दे रही होगी फ्रेंड आपको, ऊपर रब करने से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना मॉइस्चराइजर लेना है और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लेना है, हल्का हल्का सा इसको। और आपको क्या करना है, अपने फिंगर पर जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया है वो अच्छे से स्किन में मिक्स हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका 10 मिनट में ही पूरी रेडनेस भी खत्म हो जाएगी, स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। ये देखिए ओह, ये देखिए मेरा पहले हाथ देखिए, और जो मैंने बेसन वाला किया है वो मेरे हाथ देखिए। तो चलिए फ्रेंड, आपको आज का मेरा होम रेमेडी कैसा लगा। काफ़ी पुराने ज़माने में भी महिलाएं बेसन और आटे का ओपटन बनाकर अपने हेयर निकालती थी, तो आज मैं वही नुस्खा आपके सामने लेकर आई हूँ। आप भी इस तरह से अपने छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं बिना केमिकल लगाए हुए फ्रेंड। तो मैं बताऊँ आपको, 1 मंथ तक बिल्कुल बाल नहीं आते हैं। अगर आपका ग्रोथ ज़्यादा है तो आप 15 डेज में एक बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं 1 मंथ में एक बार कर लेती हूँ, वैसे मैं वैक्स कर लेती हूँ क्योंकि फेस वैक्स करवाती हूँ, तो मैं अपर लिप्स भी करवा लेती हूँ 2-2.5 महीने में एक बार। वैसे नॉर्मली मेरे हेयर्स है नहीं है, लेकिन डेड स्किन हटाने के लिए मैं वैक्स करवा लेती हूँ। आज आपको मैंने इन ये इसका डेमो दिखाया है,
आटे और बेसन का पेंट बहुत अच्छा है, कारगर है। और सबसे अच्छी बात है कि घर पर ये चीज़ें हैं जिससे हम बहुत आसानी से बाल निकाल सकते हैं। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए गाइस, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं इस तरह के वीडियोस और भी काफ़ी सारे आपको लाती रहूँगी, तो आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, फिर प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करें आप। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको पता है 25,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं सेलिब्रेट भी करूँगी आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, और मैं आपके साथ लाइव भी आऊँगी, 31st की पार्टी भी आप लोगों के साथ मनाऊँगी। तो आप इंतज़ार कीजिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।